आज अजमेर शहर के अंदर लूट खसोट करने के लिए जिस टाटा पावर कंपनी को यहाँ पर बिजली विभाग की सौंपी जिम्मेदारी सौंपी गई थी सरकार के द्वारा, वो उस लूट खसोट का एक साल मना रही है और जनता त्राहिमाम त्राहिमाम हो रही है। उनके संघर्ष को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विजय जैन साहब के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी और वरिष्ठ नेता यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया है। करीब 2 घंटे के बाद अधिकारियों ने हमारे सूद लिए और लूथरा जी हमसे बात करने के लिए आए। उन्हें सारी अनियमितताएं जो बिलों को लेकर हो, कनेक्शन को लेकर हो, बिजली कटौती को लेकर हो और इनके कर्मचारियों के द्वारा जो दादागिरी की जाती है घरों के अंदर, महिलाएं बच्चियां अकेली हो वो वसूली करने के लिए अंदर घुसते हैं, बिजली कनेक्शन काटते हैं, इन सभी अनियमितताओं को दूर करने के लिए आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता यहाँ पर सड़कों पर है। और 15 दिन का हमें आश्वासन दिया गया है कि इस लूट खसोट को कम बंद करेंगे। जिस तरह से 2000-1000 के बिल जो गरीब जनता के आते थे उनके 20-20 हज़ार से लेकर 1,33,000 का एक बिल हमने अभी लूथरा जी को दिखाया कि उसका उपभोग 2300 यूनिट का है मगर उसका बिल 1,33,000 का विभाग के द्वारा दिया गया है। और ये बोला जाता है कि पहले पैसे को जमा कराओ उसके बाद हम इसकी जांच की जाएगी, एक गरीब आदमी कहाँ से 1,33,000 रुपये जमा कराएगा। इन सभी बातों को नज़रअंदाज करके ये सरकारें यहाँ पर स्थापित है और अपने अपने चाहने वालों को जनता की जेब से पैसा लूटने के लिए इन्होंने अधिकार दिए हुए हैं और पूरे देश में इस तरह के कंपनियों को इन्होंने भेज रखा है जो जनता के पैसे लूटकर इन नेताओं की जेबें भरे। जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार आई थी, बेरोजगारी मिटाना, महंगाई को कम करना और हर भ्रष्टाचार को मिटाना, उन्हीं मुद्दों को लेकर यह सरकार काम कर रही है और जनता खून चूस रही है। हम कांग्रेस पार्टी इसके सारे कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता इसका विरोध करते हैं और जब तक इन अनियमितताओं को हम खत्म नहीं कर देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। आम जनता की लड़ाई हमारी लड़ाई है। हेमंत भाटी। अभी देखिए, हमारे अजमेर में ABVNL था तो टाटा पावर ने जनता को हसीन मुंगेरी लाल के सपने दिखाए थे कि टाटा पावर जब प्राइवेट हाथों में आ जाएगी तो आप लोगों को सुविधा 24 घंटे की मिलेगी और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, बिलों में भी कमी आएगी। आप देख रहे हैं इसका उल्टा हो रहा है, ना तो बिजली का पता है, कभी भी चली जाती है 2-2 घंटे 3-3 घंटे इतनी भीषण गर्मी में छोटे छोटे बच्चे औरतें कैसे रहती हैं घरों में, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा बिलों का जो लोग 3-3 हज़ार का बिल जिनका आता था उनका 21-21 हज़ार का बिल आ रहा है। गरीब लोग हैं जो सिर्फ एक पंखा और एक बल्ब चलाते हैं, उनका किस हिसाब से ये ले रहे हैं? कहते हैं कि स्थानीय शुल्क है, ये है वो है। अरे आप इतनी लूट तो मत मचाइए, जनता त्राही त्राही कर रही है कि आप लोग चाहते हैं कि कुछ लोग बिजली के बिल को लेकर के खुदकुशी करें। जब 5-7-10 लोग खुदकुशी कर लेंगे उसके बाद टाटा पावर जागेगा तो क्या जागेगा? हम लोगों ने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया है इनके टाटा पावर हाउस पे छाती पाटा पर और हम लोगों ने इनको चेताया है और उन लोगों ने 15 दिन का हमें टाइम दिया है कि 15 दिन बाद व्यवस्था में सुधार होगा और ये हम लोगों को बुलाकर वापस रिपोर्ट देंगे। देखिए कि जैसा कि आप देख रहे हो, लोगों ने अपनी बिजली के बिल और सप्लाई को देखते हुए आज प्रदर्शन किया था इसमें हाथीपाटा पावर स्टेशन पे। हमारे जानकारी में आने पर हम लोग सभी यहीं पे हैं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और टाटा पावर के जिम्मेदार अधिकारियों ने आकर इनको जो प्रदर्शन करने वाले थे उनको आश्वासन दिया है कि भाई 2 सप्ताह के अंदर इसका समाधान किया जाएगा, जहाँ पर भी लैप्सेज रहे हैं, जहाँ कमी रही है उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा और विद्युत व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। इस बात पर ये मोटे मोटे तौर पर सहमति बनी है और धरना अब शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। ये बात इस दौरान एक घटना भी घटी, कालिक खोदने की बात नहीं, वो मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हूँ पर मेरी जानकारी में नहीं है।